कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले मेरे सभी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राजस्व का हमारा अमला, नगरीय निकाय के कर्मचारी, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, आप कोरोना के खिलाफ लड़िए, आपकी संपूर्ण सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इंदौर में हुई है, उस घटना में शामिल अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। ऐसे लोग मुट्ठी भर हैं, लेकिन पीड़ित मानवता को बचाने के लिए आपके काम में अगर कोई बाधा डालेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आप तो लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी है, इसलिए आप अपने काम में जुटे रहिए। मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम करता हूं, मैं और पूरा प्रदेश आपके साथ है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी साइकियाट्रिस्ट हूं और भोपाल में प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बड़े गंभीर विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। सोचिए कि आपको आपकी सुरक्षा करने वाला पुलिसकर्मी, आपकी देखभाल करने वाला डॉक्टर, आपके डेली जो सुविधा मुहैया हो रही है इस लॉकडाउन के पीरियड में, उस प्रशासनिक अधिकारी को अगर वो इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा? मुझे लगता है कि जो सिस्टम इतनी कठिन समय में जिन्होंने इतनी मुस्तैदी से जो लोग काम कर रहे हैं, अगर हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो स्थिति काफी भयावह हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि हम इस समय प्रशासन के हर रूल को फॉलो करें, और सिर्फ उसको फॉलो करने मात्र से हम देशभक्ति कर सकते हैं। जिस तरीके से कल हुआ, पूरे देश में आप देखिए कि अचानक फिगर्स में काफी चेंजेस आ गए कोरोना वायरस के संक्रमण में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी का भाव रखिए और इस विषय में मनोविज्ञान को पढ़ते हुए जागरूकता लाने की जरूरत है। मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि हल्के के पटवारी से चीफ सेक्रेटरी तक लेकर के डेली अपना कुछ ना कुछ वो बताएं लोगों को जागरूक करने के लिए। थाने के टीआई से लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक वो अपना संदेश प्रसारित करें। मोहल्ले के पार्षद से लेकर के मुख्यमंत्री तक रोज अपना संदेश दें ताकि जनता इस ओर जागरूक हो सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जागरूकता के अभाव में भी कई बार ऐसे विवेकहीन कृत्य या कार्य हो जाया करते हैं। तो जरूरत है कि हम एक दूसरे की भर्त्सना से उभरते हुए, एक दूसरे की आलोचना से उभरते हुए, इसे कोई दूसरा जामा पहनाए बिना देश में इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए काम करें। तो आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें, हमको कोरोना को हराना है, और ये देशभक्ति का इससे बड़ा मुझे लगता है कि मौका कभी किसी को नहीं मिलेगा। धन्यवाद।